जब नया नया ऑनलाइन करने सीखा और उस टाइम शॉपिंग करने का मजा तो वाह वो नेक्स्ट लेवल था। उसके बाद जो सामान आते थे ना उसे रिसीव करने का जो खुशी है, हाय हाय वो एक खुशी था। लेकिन उसके बाद तो सब पानी पानी हो गया, लेकिन वो खुशी वापस आया है इसमें। बहुत एक्साइटेड हूँ ये खोलने के लिए और आपको मैजिक दिखाने के लिए। ये मैजिक तो बाहर आ चुका है, हाँ इसका पूरा ज्ञान ले चुका हूँ। बड़ा ही सिंपल है, बस ये कॉर्ड लेना है और ये सॉकेट पे प्लग कर देना है और इसे पावर सप्लाई देना है, बस और कोई काम नहीं है। टा टा टा, ओ सबसे इंपॉर्टेंट सेफ्टी, क्योंकि ये मूविंग पार्ट्स है। वाह सही है सही है, वाह सही बात है यार, इसका तो एकदम रियल 3D इफेक्ट लग रहा है और लाइट बंद करने से एकदम रियल जैसा फील होता है। वाह रियली, देख के सच में मजा आ गया। एक्चुअली इसका मेन काम है दुकान वगैरह में कुछ एड डिस्प्ले करना, तो अपना कुछ क्रिएटिविटी डाले इसमें, मजा आ जाएगा। अभी मैं जा रहा हूँ दुकान और दुकान से कुछ सामान उठाते हैं। तो ये रहा साइकत स्टोर, यहाँ से कुछ अपना सामान उठाएंगे। तो हमने ये एक ड्रेस लिया है और ये डॉल लिया है। बढ़िया से डॉल को लटकाएंगे और घुमा घुमा के बढ़िया सा 3D शूट कर लेंगे। तो मान लीजिए ये ट्राइपॉड को हमें डिस्प्ले करना है 3D होलोग्राम में। अगर इसे नॉर्मली शूट करके होलोग्राम में डाल दे तो एक फ्लैट पिक्चर नजर आएगा, जैसे कि टीवी देखते हैं हम, तो टीवी हम होलोग्राम में क्यों देखेंगे, तो मज़ा बिल्कुल नहीं आएगा। तो कोई भी प्रोडक्ट को होलोग्राम में डालने से पहले ध्यान देना कि उसका बैकग्राउंड कम्प्लीटली डार्क हो। डार्क मतलब नो लाइट, फिर जो होलोग्राम में लाइट्स है ये जलेगा नहीं और आपको एग्जैक्टली 3D पिक्चर नजर आएगा। तो ब्लैक बैकग्राउंड के लिए दो तरीका है, इसको रात को शूट करो जहाँ पे पूरा अंधेरा है, वहाँ पे इस पे लाइट डालो और बैकग्राउंड पूरा ब्लैक आएगा। बस वही फुटेज मिल गया, वही फुटेज डाल दो होलोग्राम में, मस्त 3D नजर आएगा। और दूसरा तरीका है कि ग्रीन स्क्रीन यूज करना और बाद में बैकग्राउंड को रिमूव कर देना, दैट्स इट एंड आई विल चूज द ग्रीन स्क्रीन। और ये है ग्रीन स्क्रीन और प्रोडक्ट शूट करने का पूरा सेटअप, और 240 FPS में हम लोग शूट करेंगे। अभी ये सारे फुटेज को हम लैपटॉप में ट्रांसफर कर लेते हैं और इसका बैकग्राउंड को हमें रिमूव करना है। इसके लिए मैं यूज करता हूँ प्रीमियर प्रो, और आप बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए कोई भी एप्लीकेशन यूज कर सकते हो, इवन आपका फोन में भी कई सारे एप्लीकेशन अवेलेबल है। अभी हमारा फाइल रेडी हो चुका है और ये फुटेज का बैकग्राउंड ब्लैक है, और क्योंकि ये है MP4 फॉर्मेट और इसे MP4 फॉर्मेट पल्ले नहीं पड़ता, इसे डॉट बिन फॉर्मेट समझ में आता है। और ये फुटेज को बिन में कन्वर्ट करने के लिए सारा तामझाम यहाँ पे एक चिप में दिया गया है जो कंपनी इसके साथ भेजा है, और कंपनी साथ ही में भेजा है एक SD कार्ड रीडर, और इसे कंप्यूटर में इंसर्ट करने के बाद हमें मिल जाएगा भर भर के चाइनीज। इसमें आपको दो चाइनीज फाइल मिल जाएगा जिसे आपको पहले एक्सट्रैक्ट कर लेना है, और इसके अंदर आपको मिल जाएगा 3DS प्लेयर V4.1 और ये एप्लीकेशन सिस्टम के लिए है, और दूसरा जो लिखा हुआ है 3D शी जिनपिंग चाइना में लिखा हुआ है, और ये फोल्डर के अंदर आपको मिल जाएगा 3DS प्लेयर जो एंड्रॉयड के लिए है। और आप ये दोनों एप्लीकेशन को अपने लैपटॉप में और एंड्रॉयड में इंस्टॉल कर लीजिए। सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा शी जिनपिंग पे, यहाँ पे क्लिक करना है, और वहाँ पे शी जिनपिंग का मतलब है आपका होलोग्राम का मॉडल, और ये है SD224। अब हमें जाना है फाइल एनकोडर पे और अपना चंगू फाइल को चूज करना है और सेव अस कर देना है, चंगू 3D चंगू सेव। इसके बाद हमें स्टार्ट एनकोड पे क्लिक करना है, और अब ये थोड़ा वक्त लेगा MP फॉर्मेट को बिन फॉर्मेट पे कन्वर्ट करने के लिए। अब हमारा 3D चंगू डॉट बिन फॉर्मेट रेडी हो चुका है, ये फाइल को हम चिप में ट्रांसफर कर देंगे, और अब ये चिप को जस्ट इंसर्ट कर देना है, हो गया सारा काम। और अब इस पे चंगू डांस करेगा, और आप ये 3D होलोग्राम फैन को अपने फोन से कनेक्ट करके सारे कंटेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, जो मर्जी वो चला सकते हैं अपने फोन से। तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली नैना मदक भाई झुकेगा नहीं सा। तो आप ये 3D फैंस को कोई भी प्रोग्राम जैसे कि बर्थडे शादी वगैरह में यूज कर सकते हो और बच्चे को हैरान कर सकते हो, और ये मेनली यूज होता है बिजनेस पर्पस के लिए, जहाँ पे न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है और आपके दुकान में अवेलेबल है, जस्ट शूट द प्रोडक्ट एंड डिस्प्ले इन द शॉप। तो इसके अलावा अगर आपके घर को एक थिएटर में कन्वर्ट करना चाहते हो, उसके लिए चाहिए एक मस्त वाला प्रोजेक्टर। ये रहा 2020 का बेस्ट प्रोजेक्टर का वीडियो, जाके देख लो और अपना घर में ही एक थिएटर बना लो।